आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मिले। देखिए खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद कैसा रहा। और हम पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को लगा नहीं, लेकिन पैर हम दबाते हैं पीछे। तो वैसे ही खिलाड़ी वहां खेलते थे और लोग हाथ पैर इधर ऊपर ऊपर नीचे कर रहे थे। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते। सर थोड़ा साल से सोच रहा था सर। मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बट मुझे ऐसा लग रहा था सर, आई मीन मैंने 2002 में पहले बार कैंप में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला जूनियर टीम में, तब से खेल के आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है। तो ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी, लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है। सरपंच साहब ने बड़ा सच में सर, ऐसे एक हम सपना ही देख सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा हार्ड था जब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, क्योंकि ये टीम इस बार जब पेरिस के लिए गया था हमारा उम्मीद इतना था कि हम लोग फाइनल खेलेगा या गोल्ड के लिए हम लोग लायक है, बट जब सेमीफाइनल हार गया एकदम से थोड़ा दर्द लगा सबको। बट आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था तब सब लोगों ने ये बोला कि अरे यार ये मैच श्री भाई के लिए जीतना है, तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपने देश के लिए किया है ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया, और हम लोगों ने मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाई बोला सर। अच्छा मुझे बताइए भाई, जब ये आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गएंगे? सरपंच साहब जरा बताइए कुछ तो हुआ हो, क्योंकि ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर जी। बिल्कुल सर, काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में गार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को, एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर सरप्राइजली, तो हमारा माइंडसेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है जो हमारे प्लान्स हैं हम उस पर स्टिक रहेंगे, और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है, तो वो मेंटेलिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं हम ये मैच जीतेंगे आज, तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद शूटआउट पे हम जीते हैं, तो एक वो क्योंकि ये ऐसा कभी सारी हिस्ट्री में नहीं हुआ सर ओलंपिक में, एंड एक और खुशी की बात थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया सर वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 52 इयर्स के बाद हमने बड़े प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वैसे भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 52 साल के। जी जी सर, दो बार ओलंपिक में बार लगातार, ये भी बहुत बड़ा काम है। जी सर, आप तो भाई यंगेस्ट से। नमस्ते सर। सब कहते होंगे तो ये मत करो वो मत करो, आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने, तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे, फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को, तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते रहे, और टॉप्स और साई और रेसलिंग फेडरेशन WFI का भी बहुत योगदान रहा इस मेडल में। अभी मूड क्या है? अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे जी। अच्छा अच्छा, जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंह हूँ और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ, तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी करते विधायक कहते हैं। जी सर। तो सरपंच भी है विधायक भी है। अच्छा, आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, ऐसा है क्या? सही है मेरी जानकारी? रील्स देखते हैं और रील बनाते हैं,
हाँ रील बना रहे हैं ना, कितने लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं? सर एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थ्रू आउट द ओलंपिक हम मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। वाह शाबाश, ये बहुत बढ़िया काम किया। तो बिल्कुल सर, क्योंकि सर अगर कोई अच्छे कमेंट आ रहे हैं चाहे बुरे कमेंट आ रहे हैं दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारा माइंड सेट था कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने। जी सर, अब मैं चाहूंगा कि देश के नौजवानों को भी आप ये बताएं। जी बिल्कुल सर, कि उससे जितना दूर रहे अच्छा ही है, वरना ज्यादा लोग उसी में उनका समय जाता है, उसी में फंसे रहते हैं। आप बेटा बहुत निराश लग रही हो। हाँ जी सर, पहली बार गई थी और मैं मतलब एक एक से हार गई थी बाउट, और मगर उससे जीत जाती तो मैं फाइनल तक जाती, गोल्ड भी ला सकती थी, पर वो मेरा बैड लक था, दिन अच्छा नहीं था तो सर मैं लूज हो गई। कोई अभी तो उम्र बहुत छोटी है बेटा, बहुत करना है। हाँ जी सर, और हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, करके दिखाओगी। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मुझे लगता है कि इस बार हमारी पूरी कंटिंजेंट में जो इंजरीज हुई थी वो काफ़ी कम थी, एक या दो सीरियस इंजरी थी, पर नहीं तो यूजली क्या होता है कि सब गेम्स में से तीन चार मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है, पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ एक था, तो वो अच्छी बात थी। एक सीखने का था कि जब भी ओलंपिक के जो विलेज में जो पॉलीक्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ रहती है, पर इस बार हमने सब जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारे विलेज में ही हमारे बिल्डिंग में ही रखी थी, और इसलिए काफ़ी एथलीट जो थे वो उनका जो कुछ भी रिकवरी करना था, इंजरी मैनेजमेंट करना था, प्रेपरेशन भी जो करना था वो बहुत ही आसानी से कर सके। आई थिंक बहुत सारे एथलीट को वो यू नो वो प्रेफरेबल था, और आई थिंक उससे एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक इससे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही हम करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे एथलीट को। देखिए साहब, डॉक्टर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले की तुलना में मिनिमम इंजरीज थी, इंजरी कम हुई है। इसका मतलब है कि खेल की हर चीज में आपकी एक्सपर्टाइज आ गई है। इंजरी होने का कारण वही होता है कि हमें खेल के संबंध में कुछ हमारा ज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है, और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं। तो मैं पक्का मानता हूँ आप लोगों ने काफ़ी ट्रेन किया होगा अपनी बॉडी को, काफ़ी मेहनत की होगी, तब जाके ये हुआ होगा। तो इसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मेरे साथ हमारे मनसुखे मांडविया जी हैं, खेल राज्य मंत्री बहन रक्षा खड़से जी हैं, हमारी खेल जगत में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया पीटी उषा जी हैं। पेरिस से आप सब वापिस आए हैं, आप सबका और आप सबके साथियों का भी मेरे यहाँ हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं, और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं, मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में
भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे, इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। सर, जब पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी हैं जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यू। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है, और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, सपने को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है, कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे, और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने, और लक्ष्य हमारा लक्ष्य सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश शावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया, इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपनी 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है, और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था, तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है, ये टर्निंग पॉइंट है हमारा।
उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रासरूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव गांव शहर शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं। अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। मैं मानता हूं, मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है, उसी में से हमें अच्छे नए हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है। हमारे खिलाड़ियों को सुविधाओं और संसाधनों की कमी न पड़े, ट्रेनिंग में दिक्कत ना आए, इसके लिए बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। सबको पता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना आवश्यक है। मुझे संतोष है कि ओलंपिक से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपटीशन का एक्सपोजर मिला है। इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स, डाइट, उपकरण और कोचिंग, सब पर इतनी बारीकी से ध्यान, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का प्रयास, इस तरह की सुविधाओं के बारे में हमारे यहाँ पहले सोचा नहीं जाता था। खिलाड़ी अपने नसीब पर मेहनत करता था, देश के लिए कुछ करके आता था, लेकिन अब एक पूरी इकोसिस्टम बनी है। ये केवल स्पोर्ट्स में देश की नीतियों का बदलाव है इतना ही नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक भी है जो देश अब अपनी युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसकी अभिव्यक्ति है। साथियों, आप सब देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं आप में से हर किसी के बारे में देश को, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। यहां भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूं, विशेषकर हमारी बेटियां। पिछली बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही ओलंपिक में भारत की जीत का श्री गणेश किया है। मनु को जिस तरह पिछली बार तकनीकी कारणों से निराश होना पड़ा था, फिर उन्होंने जो वापसी की, अंकिता ने जिस तरह सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, मनिका बत्रा और श्रीजा अकोला ने भी सबका ध्यान खींचा है। इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी रहे, खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जिस तरह कंसिस्टेंसी दिखाई है, स्वप्निल ने कठिनाइयों को पार कर जिस तरह मेडल जीता है, हॉकी में हमारे सरपंच साहब, उनकी टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। पीआर श्रीजेश ने यह बता दिया कि द वॉल क्यों है, जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका, उस सब ने एक ही संकल्प दोहराया, ये सिलसिला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा। मैं मानता हूं इससे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, हमारा भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने आज भी वहां भी लाल किले से भी बोला है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे एथलीट्स
जो पिछले ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं उनके इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वहां बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, ओलंपिक की प्लानिंग से लेकर की वहां की व्यवस्थाओं तक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक आपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशंस, हमने इसको लिख कर रखना चाहिए, वो सरकार को साझा करना चाहिए ताकि हमें 2036 की तैयारी में ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें खिलाड़ी देख करके आता है उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी। तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फौजी हैं, आप सबको मेरी मदद करनी है ताकि हम 2036 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलंपिक कर करके मेजबानी करके दिखाएं। मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रालय इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और सभी खिलाड़ियों से उनके डिटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। साथियों, भारतीय स्पोर्ट्स में और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है इससे आइडियाज भी, जो चीज खिलाड़ी बता सकता है ना, जो चीज कोच बता सकता है वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते जी। और इसलिए आप लोगों के इनपुट बहुत जरूरी है, आपके आइडियाज बहुत जरूरी है, आप पर भविष्य के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भी दायित्व है और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। आप सोशल मीडिया स्पेसेस पर युवाओं से जुड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं, करते भी हैं बातें, उनको प्रेरित करें। खेल मंत्रालय और दूसरी संस्थाएं भी इस तरह से इंटरेक्शन सेशन आयोजित करवा सकती हैं अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ, तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे। मेरे सामने शायद बोलते नहीं हैं लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ये लोग। साथियों, आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी, और इसलिए मैं तो कुछ न कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूँ। और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है आपने जरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है। देखिए, जो साथी टोक्यो ओलंपिक के बाद आए थे उन्होंने मैंने स्कूलों में जाने और युवाओं से मिलने का आग्रह किया था और उन्होंने किया था, उसका लाभ भी हुआ है। आज देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहा है। मैं आप सबसे कहूँगा आप भी उससे जुड़े, अपनी माँ को लेकर के एक पेड़ लगाइए, पेरिस को भी याद कीजिए और पेड़ लगाइए। अगर माँ नहीं है तो माँ की तस्वीर लेकर के खड़े रहिए और पेड़ लगाइए। आप में से ज़्यादातर खिलाड़ी गांव की पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से हैं। आपने पेरिस में भी देखा है और इस बार के पेरिस के ओलंपिक की विशेषता थी, वो पर्यावरण को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा वहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप किया था। आप भी अपने गांव जाए तो वहाँ के लोगों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है, ये बात उनको बताइए। और इन सब के साथ दूसरे नौजवान साथियों को स्पोर्ट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, फिटनेस के तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब सदा सर्वदा देश का नाम रोशन करेंगे। विकसित भारत की हमारी यात्रा युवा प्रतिभाओं की सफलता से और ज़्यादा खूबसूरत बनने वाली है, इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए आप सब अचीवर हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ अचीव नहीं किया है। और जब मेरे देश से ऐसे नौजवान कुछ अचीव करके आते हैं ना, तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने की तैयारी कर लेता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पेरिस ओलंपिक से लौटे जो तमाम खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत की है, उनके साथ जो टीम गई थी उन लोगों से बातचीत की है और एक शुभकामनाओं के साथ साथ ये बताया है कि कैसे भारत ने तमाम खेलो इंडिया के माध्यम से कदम उठाए जिससे इन्हें एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म मिला। और आप देखिए इन तस्वीरों को, ये सात लोग कल्याण मार्ग की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी टीम ने मुलाकात की पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद। और पीएम मोदी ने कुछ अपील भी इन खिलाड़ियों से की है कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम से आप खिलाड़ी भी जुटें, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की अपील इन एथलीट से और खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।